अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान के सीनियर और मारूफ अदाकार मसूद अख्तर की तबीयत शदीद नासाज, दुआओं की अपील। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मारूफ अदाकार मसूद अख्तर को तबीयत नासाज होने पर गंगा राम अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अहलिया के मुताबिक मसूद अख्तर की सुबह तबीयत ज्यादा खराब होने पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अहलिया ने मसूद अख्तर की सेहतयाबी के लिए मद्दाओं से दुआओं की अपील भी की है। याद रहे कि टीवी ड्रामों से मकबूलियत पाने वाले फनकार मसूद अख्तर ने कई फिल्मों में विलन की हैसियत से भी काम किया था। फिल्म संगे दिल में उनकी अदाकारी को सराहा गया। अदाकार मसूद अख्तर को फनी खिदमात पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड भी मिल चुका है। पाकिस्तान के नामवर अदाकार मसूद अख्तर 5 सितंबर 1940 को साहिवाल में पैदा हुए। 60 की दिहाई में उन्होंने अपने फनी कैरियर का आगाज किया और जल्द ही स्टेज के मशहूर अदाकारों में शुमार होने लगा। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें 14 अगस्त 2005 को सदारती तमगा बराए हुसन कारकर्दगी अता किया था। तो नाज़रीन, आप भी पाकिस्तान के सीनियर नामवर अदाकार मसूद अख्तर की सेहतयाबी के लिए दुआ करें। इनकी पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमत है। तो नाज़रीन, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा कोई भी नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो नई खबर के साथ फिर मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।